सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज आप सबको सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कई भाई बहनों ने आज व्रत भी रखा होगा। आज हम थोड़ा श्री कृष्ण के चरित्र पर भी चर्चा करेंगे और समय मिला तो हम अपना जो टॉपिक है उसकी भी चर्चा करेंगे। सफलता के सूत्र क्या है, जीवन सफल होने के सूत्र क्या है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम मेडिटेशन करते हैं। हम सभी अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके, क्योंकि पतंजलि ऋषि ने कहा, महर्षि पतंजलि ने, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? जो हमारी व्यर्थ की वृत्तियां हैं, नेगेटिव वृत्तियां हैं, उन सब का हमें कंट्रोल करना है। जब हम योग में बैठते हैं तो व्यर्थ की बातें ना आए बुद्धि में, संसार की बातें ना आए। और हम यही देखें कि हम धीरे 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 योग से क्या होता है, हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है। अभी तक हम जिन विचारों को, जिन बातों को वैल्यू देते थे, धीरे धीरे उनका डिवैल्यूएशन हो जाता है और हमारा जो वैल्यू सिस्टम है टोटली चेंज हो जाता है। हमें लगता है कि जिंदगी में विचार और संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जो संस्कृति है इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। तो हम सब ईश्वरीय संस्कारों को अपने भीतर पैदा करते हैं। ईश्वर की गाइडेंस मिलती है तो हम ईश्वर की गाइडेंस पे चल के अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करते हैं, सेंक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो मन में टॉक्सिक्स है उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उसी को डिटॉक्स प्रोसेस कहते हैं। तो लोग शरीर का डिटॉक्स करने की तो बहुत विधियां बताते हैं, लेकिन मन आत्मा का डिटॉक्स कैसे हो, दैट इज थ्रू मेडिटेशन एंड सत्संग। तो अभी हम अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करेंगे। हमें शास्त्रों में भी दिया है, गीता में भी दिया है कि भ्रू मध्य दोनों आईब्रोज के बीच में ये जो पॉइंट है, इसकी चर्चा हम रोज करते हैं, जिसको भ्रिकुटी या त्रिकुटी भी कहा है शास्त्रों में। यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के मिलन की भी जिक्र होती है। आज्ञा चक्र भी है, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का एरिया भी है। इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया इन आवर बॉडी। जब हम यहाँ एकाग्र करते हैं तो हमारा मन जो है आगे के लिए तैयार हो जाता है। ये लॉन्चिंग पैड है एक्चुअली, यहाँ से रॉकेट जो है एस्ट्रल या इथीरियल जर्नी के लिए तैयार हो जाता है। जब तक हम बाह्य मुखी हैं, बाहरी संसार को देख रहे हैं, तब तक हमारा जो बुद्धि योग है वो बाहर की तरफ रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, पर्टिकुलर हमें व्यक्ति चाहिए। तो उनसे धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट भी कम होने लगता है। आपने महसूस किया होगा, और जिंदगी कुछ बनी हुई ऐसी है
शुरू में हम हमें चीजें इकट्ठी करनी होती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी व्यर्थता का बोध हमारे भीतर जागृत होता है। तो हम अपनी भृकुटी में आए तो नैनों के मध्य बिटवीन द आईब्रोज जहाँ बिंदी लगाई जाती है, समझो कि मुझे यहाँ बिंदी लगी हुई है, लाइट की बिंदी, प्रकाश, ऊर्जा की बिंदी, डिवाइन एनर्जी की बिंदी, जो आत्मा है, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लव, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, यहाँ पे वो आत्मा में इस देह बांध से परे जाना है, बिकॉज आई एम नॉट बॉडी। ये शरीर तो पहले छोटा सा था, पैदा हुआ तो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन मैं बचपन का भी साक्षी हूँ। ऐसी कौन सी चीज है कांस्टेंट जो बचपन को भी देख रही थी, जो जवानी को भी देख रही थी, जो बुढ़ापे को भी देखती रहती है, ऐसी कौन सी चीज है? वो कांस्टेंट है आत्मा, जो सबका साक्षी है, सबको देख रहा है। मैं वही हूं, आई एम सोल, माय रियल आइडेंटिटी इज सोल, मैं आत्मा हूं। मैं बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अणो अणियान महतो महियान, जितनी सूक्ष्म उतनी महान, अनंत ऊर्जा है मेरे में, अनंत संभावनाएं, मैं दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा, उस ज्योति में स्थित हो जाओ, अखंड ज्योति मेरे मस्तक में चमक रही है। उस अखंड ज्योति का अपने मन की आंखों से दर्शन करो, केवल लाइट मेरे मस्तक में, सूक्ष्म, डिवाइन, अलौकिक, अभौतिक लाइट। आई एम सोल, मैं वही आत्मा हूं। कुछ आत्मा का धर्म शांति है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसी शांति के भाव में स्थित हो जाओ। आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीस लविंग सोल, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, मुझे अशांति पसंद नहीं है, मुझे टेंशन पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रेस पसंद नहीं है, मुझे वरी चिंता फिक्र गम पसंद नहीं है, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। मैं आत्मा सच्चिदानंद की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। इस देह से अटैच होकर विषय विकारों के कारण मेरा आनंद कम हो गया है, विषयों के थ्रू मैं आनंद को प्राप्त करता हूं, वो विषयानंद है, मैं विषयानंद नहीं, परमानंद चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए, अखंडानंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, विवेकानंद चाहिए। लंबे गहरे सांस, रिलैक्स योर बॉडी, आंखों पे जोर नहीं डालना है, जेंटली
आंखें क्लोज होनी चाहिए, हल्के से चेहरा बिल्कुल शांत हो, महात्मा बुद्ध की तरह। जितना रिलैक्स कर सकते हो करो, फेस पर सीरिनिटी हो, फेस टोटली शांत हो। लंबे गहरे सांस लो, श्वास के साथ आपको पता है भीतर श्वास लें तो ओम चलेगा लंबा, श्वास छोड़ें तो शांति ओम। से 11 बार ओम शांति का अभ्यास करो, भीतर ही भीतर। और श्वासों को आता जाता देखिए, जब श्वास छोड़ें तो नाभि भीतर श्वास श्वास भरे, छाती और पेट थोड़ा बाहर आए, भरेगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो लंबे गहरे सांस ओम शांति के साथ, मन चित्त ठहर जाएगा, मन अमन हो जाएगा, मन रुक जाएगा। श्वासों को देखो, साक्षी होकर देखो, विटनेस करके देखो। मैं श्वास नहीं हूं, मैं आंख नाक मुंह कान नहीं हूं, मैं श्वासों का भी साक्षी आत्मा हूं। उस भाव में टिके और मेरे सिर पर परमपिता परमात्मा की रोशनी, उस ज्योतिर्लिंगम शिव की रोशनी पड़ रही है। ज्ञान का सूर्य परमात्मा शांति आनंद प्रेम शक्ति की किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। कनेक्ट योर सेल्फ विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से स्वयं को जोड़ें जो पांच तत्वों से परे है, ऊर्जा का स्रोत है, सुप्रीम एनर्जी, परम चेतना, परम ऊर्जा। मैं आत्मा ऊर्जा से संपन्न हो रही हूं। आई एम गेटिंग चार्ज्ड, गॉड इज माई चार्जर। चार्जिंग का स्रोत है परमेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, भोलेनाथ बाबा। हम सबको परमात्मा राधा कृष्ण की तरह बना देता है। घर घर में राधा कृष्ण होते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। अपनी सब रस्सियां मुझे काटनी है। सारी मोह के धागे मुझे काटने हैं। मैं मुक्त आत्मा हूं, ऐसा बोध जागृत करे। एब्सोल्यूट फ्रीडम में हूं मैं उड़ सकता हूं। अगर रस्सियां बंधी होंगी या चेन्स होंगी मोह माया की,
तो मैं आत्मा उड़ नहीं सकूंगी, मुझे उड़ना है परमधाम की तरफ, अंतरिक्ष से भी पार, जहां से मैं आत्मा आई, मुझे बाबुल के घर जाना है। परम धाम बाबुल का घर है, जो पांच तत्वों से परे है। वहां पर छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व। मैं आत्मा ब्रह्म तत्व की रहने वाली हूं। मेरा मन शांत हो गया है, मुझे चेतना आनंद की अनुभूति हो रही है, ओज तेज की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, आनंदानुभूति हो रही है। मन ठहर गया है, मन साम्यावस्था में आ गया है। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूं कि वो हमें सुंदर सा गीत सुनाएंगे। हम सभी इसी भाव दशा में ये गीत सुनेंगे। यश जी, ओम शांति। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चारी, जय गिरिवर धारी। जय जय
जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यजुन रंजन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन चारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय गुंज बिहारी। आज क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार था तो हमने इस गीत को चुना। बहुत ही सुंदर भक्ति मार्ग का ये गीत है, बहुत ही इसको गाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। आप सबको भी आया होगा। अभी आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, दोनों हाथों को रगड़ के अपने नेत्रों पर अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ा सा तो गीत सुनने से ही बाहर आ गए होंगे, थोड़ा और बाहर आ जाइए। अब हम जो है श्री कृष्ण जी के जीवन की कुछ बातें करेंगे। जो श्री कृष्ण जी हैं उनको विष्णु के आठवें अवतार के रूप में माना जाता है, और ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इनको हम नेक्स्ट टू गॉड भी कह सकते हैं। इनको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, गॉड कृष्णा नहीं कहते, लॉर्ड। लॉर्ड से ऊपर है गॉड। तो ये विष्णु के आठवें अवतार हैं और ये सेंट्रल करेक्टर है। आप देखो महाभारत में, भागवत पुराण के अंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता, हरिवंश पुराण, सब में श्री कृष्ण के चरित्रों की महिमा है। और श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा गया है। उनमें से मुख्य जो नाम है कन्हैया कहा गया उनको, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। ये वही समय है जिस वक्त धर्म गलानी हो गई है, तो फिर बुला रहे हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब आ जाओ, आकर इस पथ भ्रष्ट दुनिया को, जो योग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट हो गई है, इसको आके अपने ट्रैक पे लाओ। डीरेल हो गई है ये अपनी मर्यादाओं से, उसको अपनी रेल्स पे लाओ। इनको श्याम भी कहा, घनश्याम भी कहा, गोपाल भी कहा, केशव भी कहा, द्वारकाधीश भी कहा, द्वारकेश भी कहा, वासुदेव भी कहा, कितने ही नाम है, मुकुंद भी कहा, अनेकानेक नाम है। वही श्री कृष्ण को जैसे अर्जुन को उन्होंने सिखाया, तो उनको योगेश्वर भी कहते हैं। योग के समझो, उन्होंने इतना योग किया कि उनको, उनका अगर आप जीवन चरित्र देखेंगे, चाहे भागवत में चाहे श्रीमद् भगवत गीता के समय, तो उनका जो चरित्र है उसको हम एक टाइटल दे सकते हैं, वो टाइटल है निष्काम कर्म योग का। उनकी कोई अपनी कामना नहीं है कहीं पे भी, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कल्याण के लिए कर रहे हैं,
निष्काम भाव से दिखाया है भक्ति मार्ग के अंदर भी, और हम सबको भी गीता में यही प्रेरणा दी है, हे अर्जुन तू निष्काम कर्म योगी भाव, तेरी कोई कामना ना हो, निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस होके हम कर्म ना करें, केवल कर्म योग करें। वी नीड टू एड योग टू कर्म, हमें कर्म में योग को ऐड करना होगा। व्हाट इज योग, इसकी चर्चा हम विस्तृत कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी। योग का अर्थ क्या है? कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जब हम हायर से जुड़ जाते हैं, अपने से ऊंची चेतना से जुड़ जाते हैं, अपने से ऊंचे लोगों से जुड़ जाते हैं, महात्माओं से जुड़ जाते, धर्मात्माओं से जुड़ जाते, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा हो जाता। अगर हम अपने से नीच प्रवृत्ति के लोगों से जुड़ेंगे, नीच लोगों की संगत करेंगे, तो हमारे भी नीच संस्कार होने शुरू हो जाते। इसलिए संग और रंग की बड़ी वैल्यू है। और मेडिटेशन क्या है? संग, सत संग, उस सत परमात्मा का संग करना, यही योग है। सत्संग ही एक तरह का योग है। जब आपको नॉलेज हो जाती है, हु एम आई, मेरा कौन है, मुझे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, परफेक्ट बनाना है, मुझे कैसे अपने आप को एक्सेलेंस में लाना है, तो हमें श्री कृष्ण की तरह निष्काम कर्म योगी बनना होगा। और वो फिलासफर भी थे, आप जगह जगह देखेंगे तो वो गाइड कर रहे हैं पूरे महाभारत में, और स्थित प्रज्ञ, जो गीता में अर्जुन को उन्होंने कहा कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ बन जा। स्थित प्रज्ञा क्या क्या है? जिसकी बुद्धि ठहर गई है, मन ठहर गया है, चित्त ठहर गया है, जिसको बाहर के उद्वेग प्रभावित नहीं कर पाते, तो हमें भी स्थित प्रज्ञ बनना होगा। ये गीता का हमें सबक है। हमें श्री कृष्ण की पूजा तभी सार्थक है जो लोग करते हैं, अगर उनके गुणों को भी अपनाएं, निष्काम कर्म योग को अपनाएं, उनका जो स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत है उसे अपनाएं, और जो दैवी संपदा की बात की, आसुरी और दैवी, जिसको हम दिव्य गुणों का गुलदस्ता कहते हैं, उन दिव्य गुणों के गुलदस्ते को भी हम अपने जीवन में लाएं, तभी जो है हम भी महापुरुष बन सकेंगे। ये यात्रा पुरुष से परम पुरुष बनने की है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की है। जब हम अध्यात्म के राही बनते हैं, रूहानियत के राही बनते हैं, तो हमें अपनी चेतना को उच्च धरातलों पर ले जाना है। वी हैव टू आल्टर आवर कॉन्शियसनेस एंड टेक इट टू हायर रेलम्स। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत है महाभारत में, आपने सबने कई सीरियल भी देखे होंगे, श्री कृष्णा का सीरियल देखा होगा, विष्णु पुराण के ऊपर भी काफी दिन आता रहा, ऐसे जो है कई जो है टीवी के ऊपर सीरियल आते रहते हैं श्री कृष्ण से संबंधित। और हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन में आठ का बहुत महत्व रहा था, और उनको जन्म तो आप सब जानते ही हैं कहाँ हुआ था, मथुरा के कारागार में, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। तो अष्टमी, यहाँ पे भी अष्टमी है, और उनके माता पिता देवकी और वासुदेव, देवकी के जो चचेरा भाई जो है कंस, और अगर हम इंग्लिश सिस्टम से देखें तो ज्यादातर ये अगस्त में ही आता है, तो वो भी एट्थ मंथ ही होता है, जब सन इन लियो, जब सूर्य सिंह राशि में होता है। तो कंस के डर से वसुदेव ने, जब नवजात बालक पैदा हुआ था, रातों रात यमुना को पार करके गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया था। आपको सारी वो कहानी पता है कि कैसे जेल के अंदर जन्म हुआ, और सारे जितने भी प्रहरी थे वहां पे, चौकीदार थे, सब सो गए, गेट खुल गया अपने आप, सारे बंधन कट गए। दूसरे शब्दों में, एक शब्द में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं, उस वक्त सारे बंधन कट गए,
जो भी थे, इसलिए वसुदेव जी ले गए और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ और यशोदा नंद उनके पालक माता पिता हैं। और उनके यहाँ एक जो है यशोदा के यहाँ जो है बताते हैं ना कि एक कन्या का वहाँ रोहिणी में जो स्थापन किया था वहाँ जन्म हुआ, तो एक बच्ची पैदा हुई थी जिसको कोई देवी कहते हैं कोई सती कहते हैं। जब कंस उसको मारने लगता तो एकदम हवा में ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, या आकाशवाणी उसको ऐसे होती है। तो इस तरह की बातें हम सब सुनते रहते हैं। तो अपने जन्म के कुछ समय बाद ही जो है आपने सुनी होगी कहानी कि जो पूतना राक्षसी थी उसका भी जो है उसने मारने की कोशिश की। अघासुर बकासुर और ना जाने कितने जो असुर थे उन सब ने जो है कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त वो सब नहीं हो पाया था। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उनके जीवन का मुख्य है। हम देखते हैं कि द्वारकाधीश भी उन्होंने कहलाया, तो द्वारका में जाके राजधानी स्थापन की। हम लोग भी उसको देख के आए थे द्वारका को भी। तो श्री कृष्ण का अगर हम जीवन देखते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमें भी उनका जो जीवन चरित है उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और मैं दो श्लोकों की बात श्रीमद् भगवत गीता के जरूर करूंगा, वो हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें दोनों का सिद्धांत सिर्फ मैं ले लेता हूं। एक में है समत्वम योग उच्यते, योगस्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होके कर्म कर, योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। पहले यू कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से खुद को जोड़, योगस्त कुरु कर्माणि, फिर कर्म में उतर। और एक शर्त और लगा दो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्जुन को कहते हैं धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संग का मतलब होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा, त्यक्त मैंने छोड़ना, त्याग करना, अटैचमेंट को छोड़ के अनबायस्ड होके, क्योंकि जब हम किसी चीज से अटैच होते हैं तो हम अनबायस्ड नहीं रह सकते। एक जज है, मान लो आप जज हैं, आपको जजमेंट देनी है, दो पार्टियों में से एक से आप अटैच्ड हैं, आपका कोई रिश्तेदार संबंधी है, तो क्या आप राइट जजमेंट दे सकेंगे? शायद नहीं दे सकेंगे। तो डिटैच होना पड़े, जीवन में भी हमें कई जगह डिसोसिएट करना पड़ता है, अपने को डिटैच करना पड़ता है, तभी अनबायसनेस आती है, तभी हम पक्षपात रहित हो पाते हैं। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समोभूत्वा, फिर क्या हो, आप ना आप 100% दो, डिटैच होके अनासक्त होके कर्म करो, निर्मोह होके कर्म करो और परमात्मा की याद में कर्म करो, तो फिर चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, उसमें समत्व रखना, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड, इक्विपॉइज ऑफ माइंड, ये हमें बना के रखना होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, मन बस शांत है। आपने बड़े ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, आपने सिंसियरिटी से अपनी पूरी कोशिश दी, यू गेव योर 100%, आपने पूरा प्रयास किया,
फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकला वहां पे भगवान कहते हैं हमें सिद्धि असिद्धि समोभूत्वा, अगर आपने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो आपको मन में अरमान रह सकता है, गिला शिकवा हो सकता है, अभी मैंने एफर्ट्स नहीं किए जितने करने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने 100% दिया फिर भी असिद्धि मिली, असफलता मिली, तो क्या सोचना चाहिए? ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं, अरे मैंने तो इतनी मेहनत की, रिजल्ट अपेक्षित नहीं आए। लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं कि आई एम हैविंग ए बेटर प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बेटर प्लान है, तुम्हें और आगे जाना है, तुम यहां क्यों रुक रहे हो? ऐसे कई बार जीवन में देखा जाता है, कई लोग छोटी चीज के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और उनको बड़ी चीज मिलनी होती है, तो भगवान उसमें कई बार हमने देखा है वहां वो असफल हो जाता है और बड़ी चीज में सफल हो जाता है। तो बाद में वो यही कहते हैं लोग कि गॉड वॉज हैविंग ए बेटर प्लान फॉर मी। अगर हम मेन इसमें शर्त यही है कि योगस्तु कुरु कर्माणि, एक योग में स्थित होकर कर्म हो, अनासक्त भाव से कर्म हो, और 100% आपने दिया हो, फिर सफलता मिले या असफलता मिले, सिद्धि असिद्धि समोभूत्वा, तब आप समत्व में चले जाएं, बैलेंस ऑफ माइंड नहीं बिगड़ना चाहिए। कई लोग असफल होने पे बहुत रोते हैं, कोसते भी हैं, भगवान को भी कोसते हैं कई लोग। ये एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए, स्वीकार करने का फिर एटीट्यूड होना चाहिए, और आप देखेंगे कि उससे भी बड़े रिजल्ट आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, अगर आप किसी का भला करते हैं और उससे उसके बदले में कुछ नहीं चाहते तो वो सारी जिंदगी आपका हो जाता। अगर आप, मैं तो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, एक रिक्शे वाला जिसने 10-20 रुपए आपसे लेने, वो आपसे एक बार ना ले, आपको रिक्शे पे ले गया कोई बात नहीं, आपको कह दे, तो आपकी स्पेशल नजर हो जाएगी उसके लिए, स्पेशल दृष्टि हो जाएगी कि ये आदमी अलग है। ऐसे ही जब हम फल को छोड़ देते हैं और सिर्फ कर्म में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जो हमारे मीन्स हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलना ही है, ये भगवान का मैसेज है। हम लोग क्या होता है कि कई बार जो है जो फल कॉन्शियस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कर्म कॉन्शियस जो उसके लिए पुरुषार्थ है वो उतना नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं कि उसके जो फल हैं उससे भी अपने को डिटैच करने की कोशिश करो। इसके ऊपर दीपक चोपड़ा ने भी बहुत लिखा है अपनी किताब के अंदर। तो इस चीज का सिद्धांत कई बार सीधा सीधा समझ नहीं आता, लोग सोचते हैं कि मैं फल को ही नहीं सोचूंगा तो फिर मैं कैसे होगा। गीता में यही कहा, कर्मणावधकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो ये समझ में नहीं आता जल्दी। ये सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता का जो भगवान ने दिया, समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कर्म पे तेरा पूरा कर, कर्म तुमने ईमानदारी से कर लिया, 100% दे दिया, फल तो ऑटोमेटिक है, एक्शन तुमने ईमानदारी से कर लिया तो उसका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो तो ऑटोमेटिक है। एक्शन को सोच समझ के करना है, एक्शन को 100% करना है, तो हमारे जीवन में बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे। ये आप करके देखो, और कई बार गॉडली हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, डिवाइन हेल्प मिलती है, प्रोविडेंशियल हेल्प मिलनी शुरू हो जाती, अननोन क्वार्टर से आपको हेल्प आने लग जाती है। ये जीवन का अनुभव है। तो दूसरा उसमें है योगा कर्मसु कौशलम, जो गीता का सिद्धांत है वो है योगा, योग क्या है, कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम योग है, स्किल इन एक्शन। देखो आज भी स्किल डेवलपमेंट पे जोर होता है, तो देखो कर्म सब करते हैं दुनिया में, एक होता है कितना प्रिसीजन है आपके एक्शन में, कितनी एक्यूरेसी है आपके एक्शन में,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, काम तो सब करते हैं। प्रेसिडेंट इंडिया के कहे कितने रहे, कौन कैसा प्रेसिडेंट है, कौन कैसा प्राइम मिनिस्टर है, कौन कैसा बॉस है, सोल सोल में अंतर मिलेगा, एक आत्मा और दूसरी आत्मा में बहुत अंतर मिलेगा। जो लोग कर्म योगी होंगे वो सबको अट्रैक्ट करेंगे, उनसे कोई भयभीत भी नहीं होगा। तो स्किल इन एक्शन, जो भी कर्म करें हम उसमें परफेक्शन कैसे लाने, कर्म परफेक्ट हो हमारा, स्किल इन एक्शन। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता लेकिन आएगी कैसे, जैसे हमने पहले किया दोनों सिद्धांत यहां मर्ज हो जाते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता आएगी कैसे, स्किल कैसे आएगी, हमारी टैलेंट कैसे वहां फुल्ली एक्सप्रेस होगी, व्हेन वी कनेक्ट टू द प्योर कॉन्शियसनेस, उस परम पवित्र चेतना से जब हम जुड़ते हैं, एंड वी रीच एट द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप जब चेतना की ऊंचाई पे जाते हैं, वहां वहां कर्म करते, एक है हम यहाँ यहाँ काम कर रहे, एक है यहाँ काम कर रहे, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक है यहाँ हम मोटा सिद्धांत, आप यहाँ नीचे काम कर रहे हैं लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। जब लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो तो आपको कर्म करने में बोझिल हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रांग है, चेतना स्ट्रांग है, तो आपको कर्म ऐसे लगेगा खेल, ये वजन नहीं है, खेल है, आनंद आ रहा है। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जब सैटेलाइट्स पार कर जाते हैं ना और अपने ऑर्बिट में चले जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाते हैं, ऐसे जब हम आत्माएं भी वर्ल्ड का आकर्षण है उसको पार कर जाते हैं और गॉडली ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, गॉड ग्रेस के फील्ड में चली जाती हैं, तो काम होने लगते हैं, करने नहीं पड़ते, डूइंग से बीइंग में कन्वर्ट हो। गीता भी कहती है कि अंततः क्या होगा, जो कर्तृत्व बोध है, जो डूअरशिप है, मैं करता हूं, मैं, अहंकार, अहंकार की निरंतर घोषणा, हम हर वक्त अहंकार की निरंतर घोषणा कर रहे हैं और उसको पुष्ट कर रहे हैं, तुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उससे जुड़ जाओगे, परम चेतना से उसकी कंड्यूट बन जाओगे, उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे, उसकी बांसुरी बन जाओगे, उसकी मुरली बन जाओगे, तो आपके जीवन में आनंद घटित होगा, मौज घटित होगी, आप खूब आनंदित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जन्माष्टमी की आप सबको पुनः बधाई हो। अभी हम मुरली के पॉइंट्स देखते हैं। शेयर करते हैं इसको, शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें सोल कॉन्शियस बनना है। क्या बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। अभी हम क्या है, देह अभिमानी है, देह अभिमान है, हर वक्त हम समझते हैं जो नाम रूप हमें मिला उसी से ही जुड़े हुए, हम मेल फीमेल स्वयं को समझते हैं, ना हम मेल है ना फीमेल है, वी आर ए सोल। दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, जिस्म का कारोबार, जिस्म का मतलब शरीर समझ के हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे, और जब परमात्मा मिलता है तो रूहानी कारोबार शुरू हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती। तुम सबको आत्मा समझ कर व्यवहार करते हो, क्या समझना है वास्तव में,
स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, ये सब को सोल समझो। उसकी भी डिमांड वही है जो मेरी डिमांड है, उसका भी धर्म वही है जो मेरा धर्म है। कोर रिलीजन इज सेम। ये जो एक्सटर्नल रिलीजन है ये हमने बहुत बना दी और उसमें कई मूर्खताएं भी, लेकिन अगर सोल कॉन्शियस होके चले तो बहुत आनंद है। ये है ही देह अभिमानी दुनिया, इससे उतरती कला होती है। जब बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी की इंद्रियों को टू मच यूज करते हैं, भोग करते हैं बहुत ज्यादा, भोग से रोग की उत्पत्ति होती, आपकी इंद्रियां जवाब देना शुरू कर दे। और तुम्हारी है देही अभिमानी, मैंने सोल कॉन्शियस। अगर हम सोल में रहना शुरू करते हैं, परमात्मा से जुड़ना शुरू करते हैं, पांच तत्वों का अतिक्रमण करते हैं, वी ट्रांसेंड द फिजिकल कॉन्शियसनेस, तो चढ़ती कला होने लगती है हमारी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत कमल। और फिर सर्व का भला होना शुरू हो जाता, आनंद आना शुरू हो जाता। श्री बाबा कहते हैं, तुम आत्माए परम धाम से इस धरा पर आकर शरीर धारण करके पाठ बजाती है, परम धाम से हम आए, फिर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जब जन्म लेते 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 हम फिर अपने को आत्मा, सतयुग में सोल कॉन्शियस होते देवता, अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ते हैं, इतनी उनमें पावर होती, पवित्रता होती। कलयुग में तो बॉडी कॉन्शियस है, आप देखो देह का भोंडा प्रदर्शन, कोई एड देख लो आप टीवी पे, शरीर का प्रदर्शन होगा बिना मतलब। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अभी सोल कॉन्शियस बना देगा, देही अभिमानी बनाने आया। वो सबसे मुख्य पॉइंट है, सत्य ज्ञान आकर सत्य पिता देते हैं परमात्मा, वो हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों देवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमें त्रिनेत्री बना देते हैं। अब हमारे दो नेत्र नहीं, तीन नेत्र, आत्मा का नेत्र, ज्ञान चक्षु है हमारे पास, थर्ड आई ऑफ विजडम है। भारत भगवान की दिव्य अवतरण भूमि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, कि भारत भगवान की दिव्य अवतरण भूमि है। महाशिवरात्रि का त्योहार भारत में मनाया जाता है, वो निराकार ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंगम शिव भारत में ही आते। कब आते हैं, जब रात्रि होती, रात्रि मैंने विषय विकारों की रात्रि, नेगेटिविटी की रात्रि, उल्टी चीजों की रात्रि, अंधकार, गलत काम कर। भारत में पूजा पाठ दान पुण्य भक्ति आदि बहुत है, यहाँ बहुत भक्ति की जाती, और ये तो एक आस्था का समुद्र है भारत। तो भगवान को भी वो जगह अच्छी लगती है जो आस्था का समुद्र है। सतयुग में है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। हर वस्तु जो भी बनी है, जो बनी है वो बिगड़ेगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी डेट ऑफ डेथ अवश्य होगी, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं उसकी डेट ऑफ डेथ नहीं होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा ना क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी तरह सोल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सोल तो चैतन्य ऊर्जा है, उसको भी आप पैदा नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हर चीज नई से पुरानी होती है। हर बच्चा जो है, शरीर देखो सबका, छोटा बच्चा कैसा होता है, बूढ़ा कैसा होता है, सारी अवस्थाएं ऑटोमेटिक है। ये नहीं कि बच्चा पुरुषार्थ करता है, मैं बूढ़ा कैसे हूँ, जवान कैसे हूँ, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस। हर वस्तु सतो रजो तमो से गुजरती है। दुनिया वाले ड्रामा के आदि मध्यम को नहीं जानते। सतयुग में देवी देवता पावन थे, कलयुग में विषय विकारों की प्रवेशता के कारण पतित बन गए हैं। और भगवान कौन है? पतित पावन, पतित आत्माओं को पावन करने वाला, प्योरीफाई करने वाला, डिविनाइज करने वाला। हम आत्माओं को प्योर करते हैं मेडिटेशन राजयोग द्वारा, पावन की ही पूजा होती है। ये देखो, हम आप कभी भी चेक करना, पूजा किसकी होती है, जो पवित्र है। जो हमारी तरह अपवित्र होगा
कलयुग में इनके शरीर भी अपवित्र, मन बुद्धि भी अपवित्र, उनकी पूजा कैसे होगी? सन्यासी पवित्र रहते हैं, मान लो ब्रह्मचारी रहते हैं तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं, गृहस्थी उनके आगे माथा टेकते हैं, कन्या पवित्र है जब तक तो कंजकों के रूप में, देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। वही कन्या जब शादी कर लेती है तो पहले उसके पांव पूजते थे, अब वो सबके पांव पूजती है, माथा टेकना शुरू कर दे। तो पूजा पवित्र की है। पूज्य कौन है? जो पवित्र है। पुजारी कौन है? जो अपवित्र हो जाते। अभी तुम विषय सागर से क्षीर सागर में जा रहे हो। ये दुनिया क्या है? विषय विकारों का सागर। और अभी जाना कहाँ है? विष्णु जी कहाँ होते हैं? क्षीर सागर में, जहाँ ये कह सकते हो घी दूध की नदियां बहती, मैंने संपन्नता है, किसी चीज की कमी नहीं है, पवित्रता है। दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जा रहे, वहां संपत्ति भी की भी कमी नहीं होती, वो है ही खुशी की दुनिया, आनंद की दुनिया। उस दुनिया में जाने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण की परिभाषा हमने कई बार की है कि हम शूद्र वृत्ति से अब ब्राह्मण वृत्ति वाले बने ज्ञान योग के द्वारा। जितना पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, यानी कि सेल्फ 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 नहीं, सेल्फ करेंगे तो सेल्फिश हो जाएंगे। खुद भी करें, औरों को भी करें। आप तरे औरों को तारे, गुरुवाणी कहती। आप भी तैरे और जो डूब रहे हैं उनको भी तैरना सिखाए। आप तरे औरों को तारे, बाबा कहते हैं। खुद भी पुरुषार्थ करो, दूसरों को भी कराओ, क्योंकि सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए। और सुख शांति तभी आएगा जो पवित्रता होगी। अगर आपके मन में जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी है, जितनी ज्यादा वीकनेस है, उतना ज्यादा दुख है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गाड़ी के दोनों पहियों को पवित्र बनना है। एक बाबा ने कहा कि पति पत्नी, क्योंकि संन्यास में तो ज्यादातर सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं रहो घर गृहस्थ में, रहो सन्यासियों की। ये बहुत सुंदर बात है। प्रवृत्ति में भी निवृत्ति, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति, ये है हाईएस्ट स्टेज। कीचड़ में रहे कमल के फूल की तरह, नहीं तो खिटपिट होगी। मान लो दोनों में से एक ज्ञान में चले एक ना चले, वो उसको खींचेगा, पुल करेगा, तो वो भी नहीं चल सकेगा। तुम्हें परमार्थी बनकर ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। ऐसा नहीं घर बार छोड़ के, बच्चे पैदा किए और उनको छोड़ के कहो मैं तो सन्यासी हो रहा हूं, ये नहीं चलेगा। आपको दोष लग जाएगा, पाप लगेगा। आपको उनको भी संभालना है, सुधारना है, अपने बच्चों को भी सही दिशा में ले जाना है, सही मार्ग पे ले जाना है। वो तभी जाएंगे जब आप स्वयं भी उस मार्ग पर होंगे। पूरा वैष्णव बनना है, सच्चे सच्चे वैष्णव बनना है, पवित्र आत्मा। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता। रावण मैंने बुराई, रुलाने वाला। रुलाने वाला कौन है? रुलाने वाले हैं पांच विकार, मुख्य मुख्य पांच विकार। बाकी उनके रिश्तेदार तो बहुत हैं, काम प्रलोभ ओंकार ईर्ष्या द्वेष आलस भय प्रमाद दीर्घ सूत्री वृत्ति, वो सारी चीजें हैं। तो क्या करना है हमें? रावण का जो कई रूप धारण करके आता है, कभी आलस के रूप में आएगा, कभी अलबेलेपन के रूप में आएगा, कभी बहाने के रूप में आएगा, हम बहाना बना लेंगे कोई ना, कभी कमर दर्द के रूप में आएगा, कभी सिर दर्द के रूप में आएगा। फिल्म देखनी हो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और भगवान मेडिटेशन में बैठना हो तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा। ये नोट करना। दुनियावी जो हमारे जहां इंटरेस्ट है, वो चीज हमें मिले तो हम, हमारा टाइम कितना ही चला जाए, लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन की बात करेंगे, कई लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी खत्म क्यों नहीं कर रहे, लंबा हो गया। तो अभी हमें क्या बनना है? सच्ची सच्ची सीताएं बनकर मर्यादा की लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख के हिम्मतवान बनना। सीता का अपहरण क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन।
लक्ष्मण रेखा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, जीवन का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, उसके भीतर रहे हैं मर्यादा के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने ना। और क्रेजियस, क्रेजियस हिम्मतवान बने। फिर वो रावण की बहु सेना, रावण की बताते हैं ना, लंबी चौड़ी सेना थी, वो वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन गई। प्रकृति के पांच तत्व और माया रावण के पांच विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा में उपस्थित हो। जैसे कहते हैं ना, आत्मा तुम्हारा मित्र भी है, आत्मा तुम्हारा शत्रु भी है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आत्मा अपना मित्र भी स्वयं है और आत्मा अपना शत्रु भी स्वयं है। जब आप उस शत्रु को मित्र बना लेंगे तो आपका सहयोगी हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपनी उस ऊर्जा को जो डिस्ट्रक्टिव है उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो मौज बन जाएगा। आज का स्लोगन सेवाओं में, मतलब जो हम रूहानी सेवाएं करते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस, उसमें सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त, निर्माण मैंने जहां अभिमान ना, क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां अपमान होता है। अब अभिमानी व्यक्ति किसी का भी अपमान कर देता है। और अभिमान का मतलब क्या होता है? अभी अभी मेरी बात मान, अभिमान, अभी अभी मान, नहीं मानेगा तो झगड़ा हो जाएगा। बाबा कहते हैं निर्माण चित, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, इस धारणा को अगर हम अपने में रखेंगे, अहंकार नहीं, ईगो नहीं, निर्माण, अभिमान रहित, तो सेवाओं में सफलता मिलेगी, हमें कहीं पे भी अकड़ना नहीं है। आप सबको पुनः, समय हो गया है, आप सबको पुनः जो है जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आप सबका बहुत बहुत। आज बड़ा ही प्यारा दिन था तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा श्री कृष्ण जी की चरितावली पे बात कर ली जाए, उनके क्या उपदेश जो है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा मानवता को मिले उसकी हमने चर्चा की, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। शिव बाबा हमें इस समय संस्कृति दे रहे हैं, देव संस्कृति, उस देव संस्कृति को जीवन में कैसे लाएं, उस मुरली के पॉइंट्स भी हमने सुने। आप सबका पुनः बहुत बहुत साधुवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि मैंने पहले सोचा था शायद त्योहार का दिन है तो शायद बहुत कम आत्माएं जुड़ेंगी, लेकिन फिर भी काफी आत्माएं जुड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने कोई छोटा सा प्रश्न पूछना हो, थोड़ी चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। ओम शांति सर। हमारे बीच में आदरणीय निर्मल दीदी जी हैं, हम चाहेंगे कि 2 मिनट वो भी हमें आशीर्वचन दें। जरूर, उनको वो कर दो, अनम्यूट कर दो, निर्मल दीदी जी को अनम्यूट कर दें प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके, और आज बहुत हर्ष का विषय है कि सतयुगी दुनिया के आगमन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, केवल हम नहीं लेकिन पूरे देश की आत्माएं आज श्री कृष्ण के इस सृष्टि पर आगमन की खुशियां मना रही है। और बाबा कहते हैं निकट भविष्य में ऐसी सतयुगी दुनिया आएंगी जहां ना दुख होगा, ना रोग होगा, ना कष्ट होंगे, ना पुलिस होगी, ना जेल होंगे, ना डॉक्टर होंगे, ना दुख देने वाली कोई भी शय होगी। और आज का मानव इसी के लिए भागदौड़ कर रहा है कि हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाए और खुशियां ही खुशियां आ जाए। तो ऐसी खुशियों की दुनिया का यादगार है श्री कृष्ण जन्मोत्सव,
और श्री कृष्ण के जन्म में यही दिखाया गया है कि सदा खुशी में रास करते हुए, क्योंकि रास हमेशा खुशी में हो सकता है और रास कभी भी अकेले नहीं होता, संगठन में होता है। तो ऐसा संगठन का यादगार, ऐसा खुशी में नाचने का यादगार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है। और साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाएं जो बहुत सुंदर रूप से दिखाई गई हैं, जो वास्तव में पिता परमात्मा के अवतरण के यादगार की बातें हैं। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि श्री कृष्ण जन्म अष्टमी श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप का यादगार, क्योंकि जो पवित्र है वही पूजनीय है। तो श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा जिसको दोहरा ताज दिखाते हैं, जो प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का सूचक है, तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया आएगी पीताम्बर धारी की, यानी गोल्डन एज, जहां चारों तरफ पीला ही पीला होगा, यानी सोने की दुनिया। बाबा कहते हैं इस दुनिया का सोना तो दुखदायी है, लेकिन वहां तो सबके पास ही होगा, इसलिए किसी का विशेष आकर्षण उस चीज में रहेगा नहीं। लेकिन ये सारी प्राप्तियां जीवन में तभी होंगी जब परमात्मा के कहे अनुसार हम पवित्रता के गुण को धारण कर लेंगे। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में चलने के लिए, स्वर्ग की दुनिया में चलने के लिए, कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए बाबा ने कहा ये स्वर्ग अपने आप में ही हमें बता रहा है। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, स्वरग, स्व की रग की चेकिंग करना, अपना अंतर में निरीक्षण करना कि मैं आत्मा जो स्वर्ग में चलना चाहती हूं, मेरी रग इस दुनिया में कहीं अटकी तो नहीं है। क्योंकि गीता का स्पष्ट आदेश और संदेश है, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक मेरी शरण में आ जा। तो स्व की रगों को चेक करना है, ये देह में भी अटकी हुई ना हो और देहधारियों में भी अटकी हुई ना हो, तब हम ऐसी स्वर्ग की दुनिया में चल सकेंगे। तो आप सभी को, हम सभी बहनों की ओर से, बाबा की ओर से इस कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 दिल से, मन की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी भी ऐसा सतयुगी देवता सज जाए, आपके सिर पर भी दोहरा ताज आ जाए, आप भी सदा खुशियों में नाचते रहे। आज भी सभी नाचना आप, और जन्मदिन होता है ताली भी बजाई जाती है, जरा भाई कृष्ण जी के जन्मदिन पे सभी जोरदार तालियां बजाते हुए श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत मुबारक देंगे। और अपने आप को भी, आप भी ऐसा बन रहे हैं, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ दो जगह जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, मैं आज निसिंग में हूँ और आज यहाँ झांकी सज रही है, रात तक सभी लोग आते रहेंगे देखेंगे। और आप सभी को भी हम सूक्ष्म में निमंत्रण देते हैं, मन बुद्धि से आप सभी भी पहुंचिएगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर बहन जी ने व्याख्या की स्वर्ग की, कि स्व की रग की चेकिंग करो। स्वर्ग का अर्थ जो है वो ये भी किया जाता है सुवर्ग, श्रेष्ठ आत्माओं का वर्ग जहाँ होता है, पवित्र आत्माएं जहाँ होती हैं। तो बहन जी ने बहुत ही सुंदर हम सब का आवाहन किया कि अगर श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है तो श्री कृष्ण जैसा बनना होगा, और परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा हम सबको पावन बना रहे हैं ताकि हम सब श्री कृष्ण की दुनिया में प्रवेश पा सकें, और अपनी चेकिंग हम सबको करनी है। बहन जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने निसिंग होते हुए भी हम सबको अपने आशीर्वचन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, आपका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर आपने, थैंक यू आपको याद करने के लिए, आपने याद किया। अच्छा, आज एक बार दोबारा से भजन गाइए, वो बड़ा ही सुंदर आप दोनों ने प्रस्तुति दी है, और हम फिर से एक बार आपका वो भजन सुनना चाहेंगे। चलो सुनाते,
ओम शांति, ओम शांति। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बन चारी, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukund Madhav Govind Bol, Keshav Madhav Hare Hare Bol, Keshav Madhav Hare Hare Bol. Om Shanti. Om Shanti. बहुत सुंदर रहा, आप सबने बड़े प्रेम से सुना और साथ में कमेंट्स भी लिखे अनेक आत्माओं ने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोनों हाथ सभी जोड़ लें, क्या करना है अभी सबको? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी प्रेम से बोलेंगे अपने
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो वीरमानी जी का विशेष रूप से ये कनाडा से जुड़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर राजा शर्मा भी जुड़े हुए थे पहले, अभी मुझे शायद चले गए हैं। कपिल मुकेजा जी बॉम्बे से, और जो भी बरेली से और करनाल से, निसिंग से आत्माएं जुड़ी हैं, और भी देश प्रदेश से जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जन्माष्टमी की पुनः मुबारक। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।